नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय गुप्ता कैथल बेकिंग टीवी से पेश है 22 फरवरी 2021 की वो बड़ी खबरें जो 23 फरवरी 2021 को कैथल के अखबारों की सुर्खियां बनेंगे। कैथल जिले से पहली खबर थाना टोल गांव बेगपुर के निकट की है। पूर्व कृषि मंत्री जसविंदर सिंह संधू के बेटे जसतेज संधू पर अज्ञात युवकों द्वारा गोली चलाए जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि जसतेज संधू हर रोज की तरह गांव थाना टोल प्लाजा धरने पर जा रहे थे। जब वे राष्ट्रीय राजमार्ग से लगते कैथल जिले के गांव बेगपुर के पास पहुंचे तो दो अज्ञात मोटरसाइकिल सवार युवकों ने उन पर गोली चला दी जो उसकी गाड़ी के शीशे में लगी और जसतेज बाल बाल बच गए। पुलिस जसतेज की गाड़ी को कब्जे में लेकर गुमथला गढ़ू चौकी में पहुंची। घटना की जांच में पेहवा फोरेंसिक टीम लगी हुई है। बता दें कि 9 फरवरी को जसतेज संधू ने ही गांव गुमथला में किसान महापंचायत भी करवाई थी जिसमें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने शिरकत की थी। दूसरी खबर चीका से है। नगर पालिका चीका में सैनिटाइजर घोटाले की शिकायत के लिए चीका पुलिस जांच के लिए पहुंची। शिकायतकर्ता गुरशरण ठेकेदार ने शिकायत दी थी कि पालिका में 16,22,000 रुपए का सैनिटाइजर घोटाला हुआ है, लेकिन पुलिस के पालिका में पहुंचने की पहले सूचना अधिकारियों को लग गई और अधिकतर अधिकारी मौके से गायब मिले। पुलिस ने अधिकारियों को फोन भी किए लेकिन उनके फोन नहीं उठाए गए। अगली खबर गांव रामनगर भूना की है। यहां पर एक आर्मी से रिटायर एक फौजी द्वारा दो हवाई फायर किए जाने का मामला सामने आया है। रिटायर फौजी ने बताया कि वह आर्मी से रिटायर होने के बाद कांथली बैंक में बतौर सिक्योरिटी गार्ड नौकरी करता है। शिकायत में रिटायर्ड फौजी देशराज ने बताया कि 21 फरवरी की सायं करीब 6:30 बजे गांव के ही जगतार सेवाराम भजनलाल व अन्य दो बाइकों पर उसके पास भैंस खरीदने के बहाने से आए, लेकिन उसने भैंस बेचने से मना कर दिया। इसी दौरान आरोपियों ने उसकी पत्नी नीलम व उसके बेटे कमल राज पर गंडासी से हमला कर दिया। इसके बाद फौजी अंदर मकान से अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर लेकर आया और बचाव में दो हवाई फायर कर दिए। गोली चलने की आवाज सुनकर आरोपी मौके से फरार हो गए। बाद में इसकी सूचना 100 नंबर पर पुलिस को दी गई। घायलों का इलाज चीका के एक प्राइवेट अस्पताल में चल रहा है। अगली खबर कैथल के पूर्व मंत्री रणदीप सुरजेवाला से जुड़ी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करके लिखा है कि हरियाणा सरकार ने टीजीटी अंग्रेजी के 1,035 पदों की भर्ती पर रोक लगा दी है। इसको लेकर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है जिसके बाद युवाओं में काफी रोष है। रणदीप सुरजेवाला ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि खट्टर और दुष्यंत की सरकार नकारा है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर अंग्रेजी के 1,035 पदों का विज्ञापन वापस लेकर हरियाणा सरकार का युवा विरोधी चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया है। सुरजेवाला ने कहा कि ना बेरोजगारी भत्ता ना रोजगार, सत्ता की मलाई खाने वाली है सरकार है। अगली खबर गांव नीमवाला से है जहां 50 वर्षीय महिला ने फांसी का फंदा लगाकर अपने जीवन लीला समाप्त कर ली। इस मामले में मृतिका के भाई सुभाष निवासी फुलिया खुर्द नरवाणा ने राजौंद पुलिस को शिकायत दी है कि उसकी बहन को आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया है। सुभाष ने शिकायत में कहा है कि उसकी बहन जिंदर उर्फ राजबाला की शादी राजेंद्र निवासी नीमवाला से हुई थी। जिंदर के पास दो लड़के व एक लड़की थी और वे तीनों शादीशुदा हैं। जिंदर का पति राजेंद्र शुरू से ही जिंदर को परेशान करता था और छोटी छोटी बातों पर उससे मारपीट करता था। इसी कारण उसकी बहन जिंदर काफी समय से हमारे पास गांव फुलिया खुर्द में रहती थी। मेरे दोनों भांजे व इन दोनों की पत्नियां मेरी बहन को परेशान व मारपीट करते थे। इनसे परेशान होकर जिंदर पिछले 4 माह से मेरे पास रह रही थी। पिछले 5 दिन पहले ही मेरा भांजा मेरी बहन को अपने गांव नीमवाला ले आया था। यहां आकर उसकी बहन ने इन सभी से परेशान होकर गले में फंदा लगाकर फांसी लगा ली। राजौंद पुलिस ने इस मामले में पति राजेंद्र, बेटे राकेश, विकास, राकेश की पत्नी, विकास की पत्नी के खिलाफ धारा 306 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। अगली खबर कैथल जिला सचिवालय से है। साइबर सेल कैथल पुलिस द्वारा चलाई जा रही एक विशेष मुहिम के तहत 27 व्यक्तियों के गुमशुदा एंड्रॉइड मोबाइल फोन ट्रेस आउट करके उन्हें वापस लौटा दिए गए हैं। सोमवार सुबह कैथल एसपी लोकेंद्र सिंह ने मोबाइल मालिकों को अपने कार्यालय में बुलाकर उन्हें मोबाइल सौंप दिए। बरामद किए गए 27 फोन का अनुमानित मूल्य लगभग 3.5 लाख रुपए से ज्यादा आंका जा रहा है। बरामद किए गए फोन के मालिकों में कॉलेज के विद्यार्थी, दुकानदार तथा खेती व मजदूरी का धंधा करने वाले तथा आम व्यक्ति शामिल थे। वे अपने मोबाइल जो गुम हो चुके थे उनके मिलने की उम्मीद लगभग गंवा चुके थे, लेकिन मोबाइल वापस मिलने पर उनके चेहरे पर खुशी देखते ही बन रही थी। अगली खबर कैथल के नए बस स्टैंड व करनाल रोड की है। यातायात पुलिस व नगर पालिका कैथल द्वारा एक संयुक्त अभियान के तहत सोमवार को करनाल चौक, पुंडरी रोड, नया बस अड्डा तथा जींद रोड पर दुकानदारों द्वारा किया गया अवैध अतिक्रमण हटवाया गया। इससे पूर्व हटाए गए अवैध अतिक्रमण के दौरान पालिका द्वारा लगभग 20 दुकानदारों को नोटिस भी दिया गया था जिनके द्वारा पुनः अतिक्रमण करने के कारण उनका सामान जब्त कर लिया गया। कार्रवाई के दौरान सोमवार को सड़क पर सामान रखने वाले दुकानदारों को समझाया गया तथा उन्हें बताया गया कि दोबारा दुकान सामने सड़क पर सामान रखने पर उनका सामान जब्त कर लिया जाएगा।
अगली खबर भी कैथल से ही है, जहां कैथल के 5 खिलाड़ियों ने राज्य स्तरीय सब जूनियर वुशु प्रतियोगिता में 5 पदक प्राप्त किए हैं। सचिव दीपक कुमार लोट ने बताया कि ये राज्य स्तरीय सब जूनियर वुशु मैन वुमेन प्रतियोगिता खड़क पांडवा के डिस्ट्रिक्ट हिसार में 20 व 21 फरवरी को करवाई गई थी। इस प्रतियोगिता में लगभग 30 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें कैथल के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सवेरा ने चेकवा, जिया यांशु इवेंट में रजत पदक, सोनिया ने ट्रेडिशनल ताई चिकवान में स्वर्ण पदक, राधिका ने दाओशु इवेंट में रजत पदक, अरमान मलिक ने ट्रेडिशनल ताई चिकवान इवेंट में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। इसके साथ ही सब जूनियर राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता के लिए कैथल के 4 खिलाड़ियों सवेरा, सोनिया, राधिका, अरमान का चयन हुआ। अगली खबर गांव खरका से है। एंटी नारकोटिक सेल द्वारा स्मैक तस्कर व मुख्य सप्लायर सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से करीब 15 ग्राम स्मैक, 500 ग्राम डोडा पोस्ट तथा 4000 रुपए ड्रग मनी बरामद की गई है। दोनों आरोपी सोमवार को अदालत में पेश कर दिए गए, जहां से उन्हें न्यायालय के आदेश अनुसार न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। एंटी नारकोटिक सेल प्रभारी सब इंस्पेक्टर बलजीत सिंह की टीम ने एक गुप्त सूचना मिलने पर दिलदार राम उर्फ दारी निवासी खरका के मकान पर दबिश देकर संदिग्ध दिलदार राम को काबू कर लिया। तलाशी लेने पर पॉलिथीन में 15 ग्राम स्मैक बरामद हुई। पूछताछ के दौरान आरोपी ने कबूला कि उसके द्वारा यह स्मैक उसके ही गांव निवासी विक्की राम से खरीदी गई थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गांव खरका में दबिश देकर आरोपी विक्की राम को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से 500 ग्राम डोडा पोस्ट तथा 4000 रुपए नगद बरामद किए गए। अगली खबर विधायक लीला राम की है। विधायक लीला राम ने सोमवार को अधिकारियों के साथ प्योदा रोड वार्ड 19 में कच्ची गलियों का निरीक्षण किया तथा कच्ची गलियों को पक्की करने के लिए एस्टीमेट तैयार किया। विधायक ने कहा कि उनका यह दौरा हल्के में निरंतर चलता रहेगा और सभी गलियों को एस्टीमेट तैयार करके मुख्यमंत्री मनोहर लाल को भेजे जाएंगे। विधायक लीलाराम ने हल्के वासियों का आह्वान किया है कि सामूहिक मांगों को मेरे ध्यान में लाएं, इसके बाद उन सभी कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर करवा दिया जाएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको कैथल बेकिंग टीवी की ये खास पेशकश, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा।